हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर चैलेंज। फ्रेंड्स, आज का हमारा चैलेंज है हार्ड वर्सेस सॉफ्ट फूड चैलेंज। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस चैलेंज में होंगे टोटल 5 लेवल और हर लेवल में हमारे पास एक सॉफ्ट फूड आइटम होगा और एक होगा हार्ड फूड आइटम। और किसको हार्ड खाना है, किसको सॉफ्ट फूड खाना है, वो हम डिसाइड करेंगे इन बास्केट्स की हेल्प से, हमेशा की तरह बारी बारी से शफलिंग करके। और जो भी जिसके पास आया वो उसे खाना होगा। अच्छा, जिसके पास हार्ड आएगा उसके तो दांत की बैंड उठ जाएगी क्योंकि हार्ड फूड आइटम तो दांतों के लिए हानिकारक होता है। बट जिसके पास भी सॉफ्ट आया उसके मजे हैं। यस, उसके तो मजे हैं। तो देखते हैं कि आज हार्ड कौन खाता है और किसे सॉफ्ट फूड आइटम ज्यादा मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने आज के चैलेंज शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास फर्स्ट लेवल में एक हार्ड फूड आइटम है और एक सॉफ्ट है। तो पता नहीं कौन से में क्या है, तो वो पता लगेगा हमें शफलिंग करने के बाद। तो पहले कौन कर रहा है? आप आंखें बंद करो, मैं करती हूँ। चलो ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब कौन सा चूज करना है आपको? पहले तुम करो। पहले आप करो। नहीं मैं तो कौन सा करूँ, तो समझ नहीं आ रहा। ये वाला करती हूँ। ठीक है, तो ये मेरी। चलो खोलते हैं। पहले हार्ड मेरे पास सॉफ्ट आया है, कुकी केक। मेरे पास रसा है जो दांतों के लिए थोड़ा हानिकारक है, अगर सूखा ही खाया जाए तो। सूखा ही खाना पड़ेगा क्योंकि और कुछ तो है नहीं। चलो पहली बार में तो मेरे पास सॉफ्ट आ गया, मेरे दांत सुरक्षित है अभी तक। अब पानी पी सकती हो। फ्रेंड्स, हमारा राउंड वन यही फिनिश हुआ। अब बारी है हमारे राउंड टू की। तो हमारे राउंड टू में भी हमारे पास सेम फूड आइटम है, सॉरी सेम नहीं, हार्ड और सॉफ्ट फूड आइटम है। सेम तो नहीं है, तो देखते हैं किसके पास क्या आता है। तो अभी मैं आंखें बंद कर रही हूँ और आप शफल करो। ठीक है, चलो आप कौन सा चूज करोगे? मैं यही चूज करूंगी अपना। भरोसा है मेरे? तो ठीक है, अब मेरे पास ये बचा, तो खोलते हैं। ये बाबे के पास पॉपकॉर्न और मेरे पास, आप लोग सोच नहीं सकते क्या है मेरे पास, ये कच्चे मक्के के दाने जो मेरे दांतों के लिए बहुत नुकसान दे। पत्थर की तरह लगते हैं, पत्थर पत्थर खा रहे हो। ये मेरे से चुभ भी जाएंगे। ट्राई करो। चलो मैं तो ट्राई कर लूंगा। ये मतलब बज कैसे रहे हैं, कितने हार्ड है। खा रही हूँ, नहीं तो दांत टूट जाएंगे। भैया ये तो ये चबेंगे नहीं वाक में। जो लेग भी नहीं टूटा है। दांत टूट जाएंगे लेकिन ये नहीं टूट रहे। वाकई में कितने हार्ड है। योगी आप लोगों को आ रही आवाज? हम
दांतों की एक्सरसाइज हो गई है बट ये टूट नहीं रहे। एक मिनट रुक जाओ, क्या करो, कुछ तो टूट गया, कोशिश कोशिश करते रहो, टूट ही जाएंगे। यार ये नहीं टूट रहा है, ये मेरा ही आइडिया था, मुझ पे बाहर ही पड़ गया। नहीं टूट रहे का मतलब क्या है, तोड़ना तो पड़ेगा, जब हार्ड और सॉफ्ट का चैलेंज है कंप्लीट तो करना है। चलो कितने बच रहे हैं, एक आध दो तीन निकाल, मुझे लगता है चार है अभी, चार नहीं टूटे हैं। मैंने छह लिए थे, दो टूट गए। नहीं भाई मैं पानी से निकल लूं, पानी से क्यों, मक्के उगाने के फेल रहे हैं। वैसे भी मैंने थोड़ा तो प्रैक्टिस करी ना, कोशिश करी चबाने की। मतलब इसका कुक्ड वर्जन देख लो और ये कच्चा, कोई कह सकता है कि ये इतने बुरे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा राउंड टू भी यहीं पे खत्म हुआ और अभी भाभी के पास सॉफ्ट आ गया, मेरे पास हार्ड, तो अभी तो हम दोनों वन वन पॉइंट से चल रहे हैं ना, बराबरी चल बराबरी है। तो चलिए देखते हैं अपने राउंड थ्री में क्या होता है। तो फ्रेंड्स राउंड थ्री हमारा चालू हो गया है, तो देखते हैं किसके पास क्या आता है। चालू हो गया हाँ, और मेरे दांत क्या बताऊं, दांतों की हालत अभी भगवान को सॉफ्ट आ गए। तो चलो कौन शफल कर रहा है, पहले पहले मैं करूंगी। ठीक है तो मैं आईज बंद करती हूँ। अब आप आंखें खोलो और चूज करो कि कौन सा लेना है। ठीक है तो ये आपका और ये मेरा। नारियल मेरे पास बनाना और मेरे पास ही नारियल है जो कि हार्ड है, फिर से सॉफ्ट हार्ड है लेकिन अच्छा है। हाँ अच्छा है, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है बट चलो अच्छा है। अच्छा है जो मिल गया, अच्छा है सब। और फ्रेंड्स आपको हमारे वर्सेस चैलेंज पसंद आते हैं, सो हमने सोचा कि क्यों ना और एक्सपेरिमेंट किया जाए। अच्छा नारियल की ये प्रॉब्लम है कि चबाते जाओ चबाते जाओ। जितनी देर भी चबाओ उतना ही कम है इसके लिए। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा राउंड थ्री भी यहीं पे समाप्त हुआ, अब देखते हैं फोर्थ राउंड में क्या आता है। राउंड फोर में भी हमारे पास हार्ड और सॉफ्ट है, तो कौन कर रहा है, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है तो आप आके बंद करो और मैं आपको कुछ हार्ड फूड आइटम देती हूँ। पहले शॉपिंग तो करो। चलो ठीक है, कौन सा लेने वाले हो बताओ, कौन सा पहले तुम चूज करोगे। मैं करूंगा ये वाला पक्का। हाँ ये ले लेती हूँ, पता तो है नहीं कि चल रहा है। चलो तो हम लोग स्विच कर रहे हैं अपना अपना फूड आइटम, अब खोलते हैं।
और ये है रसगुल्ले। अब एक पास हार्ड में मिश्री, अब ये टूटेंगे तो चलिए यार ये मीठा अलग है और ये हार्ड भी पता नहीं कमी खाऊ नहीं मर्जी आपकी उतना बहुत है काफी है ठीक है। सो 1 2 3 गो कौन पहले खाता ये देखते हैं। हम अभी भी इक्वल चल रहे हैं ना। हाँ 2 सॉफ्ट आपके पास और 2 सॉफ्ट मेरे पास। अब देखते हैं लास्ट वाला किसके पास आता है सॉफ्ट है ना। लास्ट वाला थोड़ा वैसा है क्या कहते हैं वो तो हम नहीं बताएंगे कैसा है वो तो सस्पेंस है सरप्राइज। तो ठीक है फ्रेंड्स हमारा राउंड 4 भी यहीं पे फिनिश हुआ। अब चलते हैं राउंड 5 की तरफ। तो हमारे पास राउंड 5 में भी कुछ अलग है कुछ अलग है कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल है। आप लोगों ने गैस भी कर लिया होगा कि क्या हो सकता है बट फिर भी हम आपको अभी नहीं बताएंगे सीधे खा के दिखाएंगे। यस हम सीधे खा के दिखाएंगे। तो चलिए कौन पहले शुरू कर रहा है हम नहीं दिखाएंगे। हाँ थोड़ा सरप्राइज रखना चाहिए ना। चलो तो कौन शुरू करे पहले मैं करती हूँ ठीक है। ठीक है चलो चलो आइस बंद रखना। अब मेरे पास क्या आया होगा मेरे पास है आइस सॉफ्ट में आइसक्रीम और ये आपके पास ये आइस है हार्ड में और ये आपको शायद दिख भी नहीं रही होंगी ये दिख रही होंगी अब तो। तो ये आपको सारी खानी है ठीक है दिख रही है ये बताओ वो भी एक नहीं दो नहीं चार चार रखे हैं सारे खाने हैं ये नहीं जी मैं सारे नहीं खाने वाली एक ही बहुत है। भाभी के दांतों की भी बैंड बन गई। अभी बहुत सीरियस है इस टाइम ये तो देख लूंगी ऐसी चीजें सीरियस होके ही खाई जाती है। सही बात है पॉइंट है पॉइंट। फिनिश। तो फ्रेंड्स हमारा राउंड 5 भी यहीं पे खत्म हुआ और आज का हमारा ये बार पता नहीं बट अच्छा लगता है ढके रहे तो अच्छा। तो हमने सारी बर्फ नहीं खाई ना मतलब मैं सारी खाऊंगी चार चार आइस मतलब मैंने भी आइसक्रीम पूरी फिनिश की थी। चलो कोई बात नहीं आइस में और आइसक्रीम में फर्क होता है क्या होता है तो तगड़े तगड़े पॉइंट मार रही हूँ। चलो ठीक है तो फ्रेंड्स हमारा ये हमें आज के चैलेंज करने में काफी ज्यादा मजा आया। भाभी आपको मुझे भी आज मजा आया बहुत मजा आया लेकिन खास तौर पे इसने मूड खराब कर दिया है ना लास्ट में आया कि दिमाग खराब कर दिया है। हाँ ये सब चिल्ड हो गया होगा कतई मतलब फ्रीज हो गया होगा बिल्कुल। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी हमारी आज की वीडियो देख के मजा आया हो आप लोगों ने एंजॉय किया हो तो प्लीज हमें बताइएगा कमेंट करके और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और हाँ अगर ज्यादा ही पसंद आ गई हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।